सिंधवाड़ी हाई स्कूल के ग्राउंड में अखिल भारतीय यादव महासभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन भव्य रूप से दीप प्रज्वलन कर किया गया। इसमें हाजीपुर से अरविंद राय एवं प्रदेश अध्यक्ष यादव महासभा के सभी लोग शामिल हुए। इस संगठन से जुड़े यादव महासभा के बिहार के कोने कोने से लोग शामिल हुए। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यादव सभा से जुड़े सभी लोग शामिल हुए और यादव सभा से जुड़े हुए सभी लोगों को बारी बारी से सम्मानित किया गया। सर पे पीला रंग की पगड़ी और कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों को सम्मानित किया गया, उन्हें शॉल देकर सम्मानित किया गया। साथ ही मार्च में होने वाले जिला स्तरीय सम्मेलन की घोषणा की गई, जिसमें जिला स्तरीय सम्मेलन के लिए लगभग 50,000 यादव को एक जगह पर एकत्रित करने का भी ऐलान किया गया। और इस सम्मेलन में जिले के सभी कोने कोने से यादव लोगों को एक जगह पर एकत्रित कर एक भव्य कार्यक्रम के आयोजन के रूपरेखा तैयार करने के लिए विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जिला से संगठन से जुड़े सभी लोग इसमें शामिल हुए और सभी लोगों को पगड़ी बांधकर सम्मानित किया गया। वहीं सभी ने एक साथ जय यादव जय माधव के नारे भी लगाए। जय यादव जय माधव बोला जय यादव जय माधव जय यादव वैशाली जिला का जिला यादव का जिला सम्मेलन होना है मार्च में, उसका ये मिनी बैठक था, विचार गोष्ठी था, अपने संगठन को आगे बढ़ाना है पंचायत तक, जिला प्रदेश पंचायत कमेटी तक का गठन मार्च तक करके, और मार्च में जिला सम्मेलन होना है, यादव महासम्मेलन होगा मार्च में। 50,000 यादव यहाँ वैशाली जिला के धरती पर मार्च में आएंगे। कुछ मूल उद्देश्य भी है, मस्कित बाबू का स्मारक का भी ये है, विचार अनावरण कराना है और जिला को छोटे मोटे जो प्रॉब्लम है उसको खत्म करके जिला के जो यादव है उसका उत्थान कैसे होगा, इस विषय बिंदु पर ही मुख्य रूप से चर्चा होती है। हमारे लोक संगठन में कोर कमेटी का बैठक होता है, चाहे जो भी बात क्या यादव एक होगा प्रयास तो एक जगह जमा होगा एकदम होगा नीचे है भी जो कहीं कुछ गड़बड़ी है कुछ कमी है उसको दूर करना है। यादव एक नहीं है ऐसा शब्द नहीं है, है एक है यादव सब दिन से एक है। उसको एक सामाजिक रूप से जो उसका आर्थिक विकास कैसे हो शैक्षणिक विकास कैसे हो उसको जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए उस सुविधाओं के लिए अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा पंचायत लेवल तक अपने संगठन का विस्तार करके वहां जो समस्याएं हैं उस समस्या को लेकर के हम प्रदेश में देश में उस मुद्दा को उठाने का काम करेंगे। नीति यही है कि अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा हर गांव हर टोले हर पंचायत में अपने संगठन का विस्तार करेगी। जब तक कोई चीज जमीन से नहीं जुड़ेगा तब तक वो गमला का फूल होता है, गमला का फूल का कोई अस्तित्व नहीं होता है। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा जो हमारा समाज है वो कृषि और पशुपालन पे निर्भर है, किसी और पशुपालन गाँव में होता है। अब उसके लिए हम गाँव में जाएंगे, गाँव में लोगों से जुड़ेंगे और गाँव के लोगों को जोड़ेंगे। हम लोग हिंदुस्तान में 26 करोड़ यदुवंशी हैं, हम लोग सेना में आपका 26 करोड़ यदुवंशियों ने ठाना है और परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव जी के नेतृत्व में अही रेजिमेंट बनाना है। इसलिए आप लोग को मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं, आप लोग इतने दूर से आए हैं और इतने सारे लोग हमारे सामंत भाई से लेकर तमाम जितने औरंगाबाद जिला से आपको तमाम जितने अब बहुत सारे भाई बहन आए हुए हैं और अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए ये आगाज हो गया है। जो जो अपने काम का नहीं वो किसी काम का नहीं मर बिट रहे, हम तो मरने के लिए उनसे मांग रहे हैं गठन। हम तो चाहते हैं कि हम अपना शहीद अपना हम अपने हमारा काम जो देश के लिए बलिदान दे, ऐसा तो काम हमारे ख्याल से तो हमारे भारत में हो चाहे कहीं भी हो देश में आप नहीं सुने होंगे कि कोई भी काम मरने के लिए संगठन मांग रहा हो। तो इस ढंग की मनोभावनाएं हमारे नवयुवकों में हमारे बुजुर्गों में हमारे बच्चों में सब जगह ये पनप रही है। तो हम आपके मीडिया के द्वारा मैं एक कहना चाहूँगा कि भारत सरकार इस चीज़ को समझे और जैसे बाकी लोगों में बाकी कौमों में क्षेत्रीयता के आधार पर भी रेजिमेंट का गठन हुआ है।